आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। सीएम बनते ही एकनाथ शिंदे की जो संपत्ति है वो हाई स्पीड में बढ़ी और हाई वोल्टेज ड्रामे की तरह पूरे महाराष्ट्र की सियासत को उन्होंने अलग थलग करके रख दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे को लेकर क्या चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी जनता जो है वो ये जानना चाहती थी कि एकनाथ शिंदे जब से सीएम बने हैं तो क्या एक ऑटो वाले के पास संपत्ति का अंबार छा गया है या नहीं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, मेरे पास एक रिपोर्ट रखी है चुनाव आयोग की, उस रिपोर्ट को देख करके मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे की संपत्ति में जो है कितना बड़ा इजाफा हुआ है। देखिए, दरअसल चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे के पास कुल संपत्ति 11,56,12,466 रुपए हैं। उनके ऊपर 3,74,60,261 की देनदारी भी है। 2019 विधानसभा चुनाव में दी गई जानकारी के मुताबिक उनके पास 2,81,000 यहाँ पर जो है कैश है और 32,64,760 रुपए बैंक में जमा है। उनके पास 2 इनोवा कार और 1 स्कॉर्पियो भी है। उनके पास 25,87,500 रुपए की ज्वेलरी है। उनकी संपत्ति में करीब 9 करोड़ रुपए के घर और फ्लैट भी शामिल है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ठाकरे परिवार के बाहर सबसे मजबूत और ताकतवर शिवसैनिक कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। उनके बारे में जो है यहाँ पर पहले यही डाटा निकल करके आता था, लेकिन अब वो पूरे महाराष्ट्र के सीएम है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक मंत्री के बाद जो है वो सीधे मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री भी उस परिवार के खिलाफ बने, वो जिस परिवार का वहाँ पर वर्चस्व था, जिस पार्टी का वहाँ पर वर्चस्व था, उसका बिल्कुल सफाया करके एकनाथ शिंदे ने अपनी जड़ मजबूत कर ली। बहरहाल देखिए, ये तो 2019 का डाटा था। अगली बार मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 2022 आते आते तक उनकी संपत्ति में और कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।